हेलो दोस्तों, ये मेरे पास सेंसुई का एक 24 इंची का आया बनने के लिए एलईडी। इसमें प्रॉब्लम मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, इस तरह का प्रॉब्लम है पूरे स्क्रीन पे। सेट खोल रखा है जो HB236WHB N00 पैनल नंबर है। एक इधर और एक इधर गेट कॉफ है। मैं इस पर सप्लाई देख लेता हूँ एक बार। फिर मैं आपको डिब्बा बताता हूँ। ये मैंने गेट कॉफ निकाला है, आप रोक देखिएगा। देखिए ये एचटीवी का लाइन है, इस पे रखा है। मैं आपको मीटर भी दिखा रहा हूँ वोल्टेज। अब मीटर पर ध्यान दीजिएगा, मैंने एचटीवी पर रखा तो इस तरह का देखिए प्रॉब्लम हो रहा है। इसमें स्कोप में VGS सप्लाई परफेक्ट है 26 वोल्ट, VCOM भी ठीक है, VGL भी मेरा सही है, 3.3 वोल्ट सप्लाई भी आ रहा है। ये HTB का प्रॉब्लम है। HTB का जम्पर लगा के देखता हूँ। मैंने इसे देखिए, ये सेट ओके हो चुका है दोस्तों। ये नो सिग्नल का आप देख रहे हैं। इसमें मैंने ये जम्पर लगाया है HTB का। ये जम्पर वायर आप देख सकते हैं, ये मैंने HTB का जम्पर लगाया है। और इसका ये कॉफ का नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये कॉफ का नंबर है 8697A CY79। ये कॉफ का नंबर है जो आप हो सकता है यहाँ भी देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार। CY79 है और यहाँ कॉप का है 8697 पैसे। मैंने इसका ये HTB जोड़ा है और ये सेट मेरा बिल्कुल ओके हो चुका है। इस पर आप नो सिग्नल देख रहे हैं। इस पर केबल लगा के एक बार देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने वीडियो लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा है। मैंने ये आप देखिए, इसका जम्पर वायर है और ये मेरा एलईडी बिल्कुल ओके हो चुका है। मैं एक बार इसे कस के एक बार चला के दिखाता हूँ आप लोगों को।
मैंने यहाँ से, ये आप देखते देख सकते हैं एसटीबी मैंने यहाँ से दिया था, देखिए। और ये मेरा जम्फर वायर है जो मैंने अभी टीवी को कसा है। मैं इसे एक बार और चला के देख लेता हूँ। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा बिल्कुल चल रहा है ओके। मैंने इसका ये FFC भी बदल दिया दोस्तों, ये ख़राब था, ये ढीला था, कभी पकड़ता था तो कभी छोड़ देता था, इसलिए मैंने ये चेंज कर दिया। और ये मैंने दूसरा लगाया है सकते हैं, और ये बिल्कुल ओके है। काफ़ी ओके है दोस्तों, इसका ओरिजिनल FFC में भी ख़राबी था, फ्लिप वायर तो मेरे पास था नहीं, तो मेरे पास ये था, ये LG का है, मैं लगा ये भी ढीला है, तो मैंने अभी सैमसंग का लगा दिया है उसमें से फ्लिप वायर। ये मैंने सैमसंग का लगाया है, फ्लिप वायर LG का था मेरे पास, इसका फ्लिप वायर ख़राब हो चुका था। तो ये मेरा HDMI का कनेक्शन जो मैंने किया है बाईपास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका मैं पैनल नंबर आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, सॉरी पैनल नंबर कह रहा हूँ, कॉफ का 8697/A C/79 था, इसमें HDMI का वोल्टेज मिसिंग था। ओके दोस्तों, थैंक यू।